हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग के बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्या बनाने वाले हैं? तो आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा। तो आटा गूंथ के रख लिए हैं। आटा में नमक और रिफाइंड तेल 2 चम्मच डाले थे, और यहाँ पे आधा केजी आटा है, और आलू उबाल करके छिल के रख लिए हैं, और प्याज भी काट लिए हैं। सत्तू में हम अजवाइन डाले हैं, और प्याज मिर्ची डाले हैं, लहसुन डाले हैं काट करके, सत्तू डाले हैं, अचार का तेल डाले हैं। और यहाँ पे चोखा के तड़के के लिए हम लहसुन और थोड़ी सी अदरक तड़का देंगे, गरम से तड़का तो अच्छा लगेगा। कच्चा तेल नहीं डालेंगे हम, बहुत टेस्टी लगता है ऐसे। और यहाँ पे हम टमाटर और बैंगन पका लिए हैं, अब हम बनाते हैं। चोखा तैयार कर लिए हैं, अभी मिलाए नहीं हैं। देखिए इधर आलू थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में है, प्याज और धनिया पत्ता और टमाटर बढ़िया से सब हम मिला के रख लिए हैं, अभी नमक नहीं डाले हैं इधर। और इधर हम कुकर चढ़ा दिए हैं, रिफाइंड तेल थोड़ा डाल दिए हैं, और अब हम डालते हैं लिट्टी को। खुद हमको बनाना पड़ता है, और मोबाइल भी पकड़ते हैं ना, इसीलिए पूरा रेसिपी नहीं दिखा पाते हैं। तो देखिए अब इसको थोड़ा सा हम हिला करके, और ये देखिए हिला करके हल्का हल्का, और ये हम ढक्कन को ढक दें। सिटी वाला ढक्कन खोल दिए, खुद से हमको करना पड़ता है ना, इसीलिए कुकर को ऐसे से हिलाना है। तो इधर हम लिट्टी बना करके निकाल लिए हैं, और थोड़ा थोड़ा हम इसमें घी डाल देंगे। देखिए घी डाल करके, और हम इसी तरह करके मिला करके घी, ऐसे मिला करके घी, और यहाँ रखते जाएं। देखिए यहाँ मिला करके रखेंगे, और यहाँ पर फिर हम डालेंगे लिट्टी को, और फिर बनाएंगे। इधर लिट्टी बना लिए हम, और यहाँ भी कुकर में भी बन रहा है लिट्टी धीरे धीरे। देखिए चोखा को मिला लेते हैं अब हम। तो हम फाइनली बना लिए हैं लिट्टी और चोखा। तो इधर है लिट्टी, और यहाँ पे हम रखे हैं चोखा। तो लिट्टी चोखा हम बना लिए हैं, और आप लोग के लिए इधर निकाल लिए। तो आप लोग टेस्ट कीजिए और बताइए कि हम कैसे लिट्टी बनाए हैं और कैसा बनाए हैं। अगर आप लोग टेस्ट नहीं कीजिएगा तो फिर लाइक और कमेंट कैसे कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।